गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने शुरू किया था 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम, और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि स्वम पोषण, दो तरह के पोषण पढ़े थे, स्वम पोषण और विषम पोषण। तो उसमें स्वम पोषण में पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं वो क्रिया हमने पढ़ी थी, मतलब प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम शुरू करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक है। देखो, ये हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पत्ती के अंदर क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि जो हरी पत्तियाँ होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण करती हैं। तो इसके लिए जो आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं, जो उसमें चाहिए हमें, वही उसके लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। और क्या क्या चाहिए हमें, हमें क्लोरोफिल चाहिए, हमें सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल चाहिए। हम एक एक करके ये पढ़ेंगे कि जो हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए उनकी आवश्यकता है या नहीं है, मतलब हम ये एक एक्सपेरिमेंट द्वारा सिद्ध करेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण में हमें चाहिए क्या वो सच में आवश्यक है कि नहीं है। जैसे क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों, जल का तो हमें पता ही है, क्योंकि जल के बिना कोई भी पौधा जीवित नहीं रह सकता। तो हम पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है कि नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं हम किससे, सूर्य के प्रकाश से, कि क्या सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आवश्यक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक पौधा लेंगे। पौधा कौन सा, कोई भी गमले में जो पौधा हम उगा सकते हैं वो पौधा ले लेंगे, जिसका अच्छा सा बड़ा सा एक पत्ता हो। हम उसको 3-4 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रखेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे ताकि पत्ती के अंदर पौधे ने जो भोजन पहले से बनाया है, जो मंड के रूप में उसमें भोजन संचित होता है, अब जब वो अंधेरे में रखा होगा तो वह प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो भोजन नहीं बनाएगा, मंड नहीं बनाएगा, तो वो अंधेरे में रखा हुआ जो उसके पास पहले से संचित भोजन था मंड, उसका प्रयोग कर लेगा। तो 3-4 दिन में उस पत्ते के अंदर कोई मंड नहीं बचेगा। फिर उस पौधे को निकाल के उसकी एक पत्ती पे, मतलब पौधे के ऊपर पत्ती अभी लगी हुई है, तोड़ी नहीं हमने, उसकी पत्ती के ऊपर हम एक ब्लैक पेपर से आधा हिस्सा उसको कवर कर देंगे। जैसे ये दिखाया है मैंने, ये पौधे के अभी भी टहनी पे पत्ती लगी हुई है और पत्ती के बीच में हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है और उसको रख दिया है धूप में। 3-4 दिन के लिए हम उसको धूप में रख देंगे। तो ये क्या करेगा, ये प्रकाश संश्लेषण करेगा। अब हम क्या देखना चाहते हैं कि सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है कि नहीं है। अब हमें पता, जब हम इसको ऐसे कवर करेंगे तो ये जो ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर के नीचे का हिस्सा जो है वो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं आएगा, मतलब उस हिस्से के ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं गिरेगा। पर सूर्य का प्रकाश कहाँ गिरेगा, सिर्फ इन भागों में, ठीक है भाई। तो 3-4 दिन जब इसको हम धूप में रख देंगे तो ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, फिर इस पत्ते को तोड़ लेंगे। हमने ये देखना है कि क्या ये जो भाग है यह है प्रकाश संश्लेषण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम इस पत्ते को तोड़ेंगे और इसको उबलते हुए पानी में डालेंगे, ठीक है, 2-3 मिनट के लिए इसको उबाल लेंगे। क्यों उबाल रहे हैं, उबालने से इसकी जो कोशिका भित्ति है या इसकी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली जो होती है, वो टूट जाएगी और टूटने से वो अधिक परमिएबल बन जाएगी। किसके लिए, आयोडीन विलयन के लिए। परमिएबल का मतलब है आयोडीन विलयन उसमें आसानी से जा सकेगा। तो पानी में इसको उबाल लिया ताकि कोशिकाओं की बारी भित्ति, कोशिका भित्ति और उसकी जो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, वो टूट जाए। उसके बाद हम इसको निकाल के इसमें से डाल देंगे इसमें उबलते हुए अल्कोहल में, मतलब अल्कोहल में लेंगे, इथाइल अल्कोहल ले सकते हैं। अल्कोहल लेके देखो, पहले हमने इसको उबाला पानी में ताकि इसकी कोशिका भित्ति या इसकी कोशिका झिल्ली टूट जाए और यह है आयोडीन विलयन को ले ले। आयोडीन विलयन क्या करता है ये मैं भी बताता हूँ थोड़ी देर में। फिर इस पत्ते को हमने डालना है किसमें, अल्कोहल में, और अल्कोहल में डाल के देखो, इस बीकर में अल्कोहल ले लिया,
और इस बीकर को डायरेक्ट इस बर्नर के ऊपर गर्म नहीं करना, सीधे बर्नर के ऊपर गर्म नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो हाईली इनफ्लेमेबल है, मतलब बहुत ज्यादा ज्वलनशील है। अगर हम इसको सीधे ही गर्म करने लग जाएंगे तो हो सकता है कि अल्कोहल आग पकड़ ले। इसलिए हम क्या करेंगे, इस पत्ते को पहले अल्कोहल में डालेंगे, फिर उस बीकर को पानी में डालेंगे। ये जो कटोरा है इसको वाटर बाथ बोलते हैं, वाटर बाथ। तो इस कटोरे में पानी लेके और इसके अंदर बीकर को डालेंगे और उस बीकर के अंदर अल्कोहल में पत्ता होता है, तो ये बर्नर पहले इस पानी को गर्म करेगा, पानी पहले उबलेगा, फिर वो अल्कोहल को उबालेगा और फिर उसके अंदर वो पत्ता वो साथ में उबल जाएगा। उससे क्या होगा, ये हमने क्यों किया, इसमें जो भी क्लोरोफिल होगा, मतलब जो हरे रंग का वर्णक होगा, वो सारा का सारा निकल जाएगा इस अल्कोहल में उबालने से। ठीक है भाई। उसके बाद जब ये सारा का सारा वर्णक, मतलब पत्ता अब हरा नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल निकल गया है। अब इस पत्ते को निकाल के थोड़ा दोबारा से गर्म पानी में अच्छे से धो लो, ताकि इस पे अगर कोई हरे रंग का वर्णक बच जाए, मतलब क्लोरोफिल अगर इस पे कहीं चिपका है वो भी निकल जाए। तो अब पत्ता में कैसा दिखाई देगा, या तो पत्ता में कलरलेस दिखाई देगा, रंगहीन बिल्कुल, या फिर येलो येलो सा दिखाई देगा। अब इस पत्ते को निकाल के इस वाच ग्लास में रख लेंगे। इस वाच ग्लास में इस पत्ते के ऊपर हम डालेंगे आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे। आयोडीन विलयन क्या होता है, देखो आयोडीन विलयन हमेशा ही मंड के परीक्षण के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि किसी वस्तु में मंड है कि नहीं है उसके लिए हम आयोडीन विलयन का प्रयोग करते हैं। जैसे आलू है या चावल है, अगर उनमें किसी में भी स्टार्च है या मंड है, तो अगर उसके ऊपर हम आयोडीन विलयन डालते हैं तो वह स्टार्च ब्लू या ब्लैक रंग का हो जाएगा, मतलब नीला या काले रंग का हो जाएगा। किसके कारण, उस स्टार्च के कारण। स्टार्च अगर है किसी वस्तु में तो वह वस्तु, वो स्टार्च आयोडीन विलयन के कारण ब्लू या ब्लैक रंग का हो जाएगा। तो ये पत्ता हमने इसमें से ले लिया भाई, अब ये कलरलेस है क्योंकि इसमें कोई भी वर्णक नहीं है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे आयोडीन विलयन। आयोडीन विलयन जब हम डालेंगे तो हम देखेंगे कि इस पत्ते का जो बीच वाला भाग होता है, जहां पे हमने पेपर को लपेटा था, ब्लैक पेपर को हमने लपेट दिया था यहाँ बीच में, उस वो जो हिस्सा है वो ब्लैक नहीं होगा, बाकी दोनों साइड का हिस्सा ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड में क्या है, इसमें मंड है। क्यों, क्योंकि आयोडीन विलयन सिर्फ मंड के साथ ही ब्लू या ब्लैक कलर देता है। तो देखो सिर्फ बीच वाला हिस्सा बच गया और दोनों साइड में ब्लू या ब्लैक हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों साइड में क्या था, इसमें मंड था और बीच में मंड नहीं था। तो बीच में मंड क्यों नहीं बना, क्योंकि ये ढका हुआ था बीच में, और ढकने के कारण क्या हुआ कि उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। ठीक है भाई, ये तो सिद्ध हो गया सूर्य का प्रकाश का। अगर हम बात करें किसकी, कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसके लिए क्या परीक्षण कर सकते हैं, देखो हमने एक पत्ता लेना है, पत्ता हम क्लोरोफिल के परीक्षण के लिए हमें जो पत्ता लेना है वो ऐसा पत्ता लेंगे हम जो थोड़ा सा वैरिएटेड लीफ है। वैरिएटेड का मतलब है ऐसा पत्ता जिसमें कहीं कहीं पे क्लोरोफिल है और बाकी जगह पे क्लोरोफिल नहीं है। मतलब देखो ये ऐसा पत्ता है जिसमें ये बीच बीच में क्लोरोफिल है और साइड में जो व्हाइट सा पार्ट है यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है। ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जिनके पत्ते ऐसे होते हैं जिनमें कुछ हिस्से में ही क्लोरोफिल होता है, बाकी सब व्हाइट व्हाइट सा पार्ट दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं वैरिएटेड लीफ। ठीक है भाई, छिद्रित पत्ता कह सकते हो आप, छिद्रित या विभिन्न पत्ता भी इसको हिंदी में बोल सकते हो। तो अब क्या करेंगे, अब हमने चेक करना है कि क्या क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो हम क्या करेंगे, ये पौधे को ले लेंगे भाई, इस ये पौधे पे अभी भी लगा हुआ है। ठीक है, कहां पे लगा हुआ है, ये पौधे के ऊपर पत्ता लगा हुआ है। तो पौधे को 3-4 दिन के लिए हम रख देंगे किसमें, अंधेरे कमरे में। उससे क्या होगा, इससे इसमें जितना भी मंड होगा पौधा सारा का सारा प्रयोग कर लेगा। फिर उसको उठा के 3-4 दिन के लिए हमने रखना है धूप में, ताकि वो मंड बना ले। फिर इस पत्ते को तोड़ लेना है,
इस पत्ते को तोड़ के फिर वही काम करना है, पहले बॉइलिंग वाटर में डालना है उबलते हुए पानी में, ताकि उसकी कोशिका भित्ति और प्रकाश जो कोशिका झिल्ली है वो टूट जाए। फिर उसको डालना है उबलते हुए अल्कोहल में, अल्कोहल में डालेंगे क्यों, ताकि जो इसका क्लोरोफिल है वो सारा का सारा निकल जाए। ठीक है, इस पत्ते से सारा का सारा क्लोरोफिल निकल जाएगा। फिर जब सारा का सारा क्लोरोफिल निकल जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कलरलेस या फिर थोड़ा थोड़ा सा पीला सा रहेगा, येलो सा रहेगा। अब इसके ऊपर डालेंगे आयोडीन विलयन की दो चार बूंदे, तो हमें दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, जिस प्रकार ये पत्ता है ना, इसमें जब हम डालेंगे आयोडीन विलयन तो ये पत्ते के ऊपर जो ब्लू ब्लैक कलर आएगा, जैसे ये पत्ता है तो इस पत्ते के ऊपर जो ब्लू ब्लैक कलर आएगा वो भी उसी प्रकार आएगा जिस प्रकार इसके अंदर, जैसे ये पत्ता है तो इसके जैसे ये क्लोरोफिल पहले मौजूद था इसके अंदर स्टार्टिंग में, तो वैसे ही इसमें मंड भी वैसा ही दिखाई देगा। किस प्रकार, जैसे ये दिखाई दिया ना क्लोरोफिल, तो वैसा ही दिखाई देगा, ऐसे ही ये इस हिस्से में ही ब्लू या ब्लैक हो जाएगा, बाकी जो पार्ट है इसमें वो ब्लू या ब्लैक नहीं होंगे। तो जहां जहां पे क्लोरोफिल था स्टार्टिंग में हमने देख लिया, हम क्लोरोफिल को आसानी से माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो बीच बीच वाला हिस्सा जो हरा था, तो जब हमने परीक्षण किया आयोडीन विलयन से तो उस हिस्से में ही वह ब्लू और ब्लैक होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि जहां क्लोरोफिल था वहीं पे मंड था, बाकी जहां क्लोरोफिल नहीं था वहां मंड भी नहीं है। तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि जहां क्लोरोफिल है वहीं मंड है, तो क्लोरोफिल मंड बनाने में सहायक है, मतलब प्रकाश संश्लेषण करने में सहायक है। ये तो हो गया क्लोरोफिल की बात। अब बात करते हैं कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अब दो पौधे लेंगे, दोनों पौधों को हम 3-4 दिन के लिए अंधेरे में कमरे में रख देंगे, जिससे क्या होगा सारा का सारा मंड वो खर्च कर लेंगे या खा जाएंगे। अब उसके बाद उनको रख देना है धूप में 3-4 दिन के लिए, लेकिन जब हम उनको धूप में रखेंगे तो दोनों को हम बैल जार से ढक देंगे। बैल जार, देखो बैल जार का मतलब क्या है, ये कांच का ग्लास है, ये भी कांच का ग्लास है, इन दोनों पौधों के ऊपर हमने कांच का ग्लास रख दिया, और अब इसमें हवा ना तो अंदर जा सकती है और ना ही बाहर आ सकती है। अगर हवा इसमें आ जा रही है तो हम यहाँ पे वैक्स मोम वगैरह लगा देंगे साइडों में, ताकि अंदर की हवा ना तो बाहर जाए ना ही बाहर की हवा अंदर जाए। लेकिन एक बार एक जो बैल जार है, जैसे एक ये है एक ये है, एक बैल जार में हमने इस कटोरी में थोड़ा सा पोटासियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, KOH रख दिया भी एक पौधे के पास, दूसरे को हमने छोड़ दिया ऐसे ही। अब ये KOH मतलब पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इसमें जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी CO2 थी, जो इस सारी CO2 को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, मतलब इस बैल जार में कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो बाकी दोनों में सब कुछ सेम है, बस इस बैल जार में क्या नहीं है, इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बाकी तो सारी चीजें दोनों में बराबर है। अब क्या करेंगे, 3-4 दिन ये ऐसे रखा रहेगा, यह पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये खाली धूप में रखा रहेगा, ये ट्रांसपेरेंट है, ये कांच का बना हुआ है, ऊपर ध्यान रखना इसमें से प्रकाश अंदर चला जाएगा। अब दोनों में से एक एक पत्ता तोड़ लेंगे, दोनों को पानी में उबालेंगे, फिर अल्कोहल में उबालेंगे और आयोडीन विलयन के साथ परीक्षण करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो ये प्लांट था, ये पौधा था, इसका पत्ता तो ब्लू या ब्लैक रंग का हो जाएगा, मतलब इसमें तो मंड दिखाई देगा, लेकिन जो इसका पत्ता था ये ब्लू या ब्लैक रंग का नहीं होगा। आयोडीन विलयन डालने पर इसके पत्ते के ऊपर ब्लू या ब्लैक रंग नहीं आएगा, तो हम कह सकते हैं कि इसके पत्ते ने मंड नहीं बनाया और इसके पत्ते ने मंड बना लिया। सब कुछ सेम था दोनों में, लेकिन फिर भी इसने मंड नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि एक ही चीज की कमी थी, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इसमें सारी चीजें हैं, इसमें भी सारी चीजें हैं, बस एक चीज नहीं है इसके पास, क्या नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उस एक चीज के न होने से इसने आयोडीन परीक्षण को नहीं दिखाया, तो हम कह सकते हैं कि इसने इस कार्बन डाइऑक्साइड न होने के कारण मन नहीं बनाया। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है भाई, तो हम एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध कर चुके हैं, या हमने
क्रियाकलाप से ये बता दिया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा पदार्थ क्या है, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या है। देखो प्रकाश संश्लेषण में बनता है ग्लूकोज, और बनता किससे है, वो बनता है जल से और कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जो चीजें स्टार्टिंग में ली जाती है वो होती है कच्ची सामग्री, जिससे कोई नया पदार्थ बनता है। तो इसमें किससे बना, कार्बन डाइऑक्साइड से और जल से। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा पदार्थ क्या हुआ, वो हुआ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। ठीक है भाई, हमें पता है कि जल पौधा लेता है मिट्टी से, जड़ों द्वारा अवशोषित करता है, फिर वो जाइलम से होता हुआ पत्तियों में पहुंच जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेता है, रंध्र द्वारा। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जैसे पत्ता होता है, पत्ते के नीचे वाली सतह पे बहुत छेद होते हैं, नीचे वाले पे ज्यादा होते हैं, ऊपर वाले पे कम होते हैं, उनको रंध्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये रंध्र का चित्र मैंने बनाया है, ये भी पेपर में आ जाता है। ये है ओपन, मतलब खुला हुआ रंध्र है, और ये बंद रंध्र है। ये खुलता और बंद कैसे होता है, मतलब खुलने और बंद होने की प्रक्रिया क्या है या किस पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है इसके अंदर जल की मात्रा पे। अगर ये कोशिकाएं जब जल को खो देंगी, मतलब इनमें से जल निकल जाएगा, तो ये भाई नहीं, जब इनमें जल भर जाएगा तो ये फूल जाएंगी, और फूलने से क्या हो जाएगा, ये रंध्र खुल जाएगा। ठीक है, ओपन हो जाएगा बीच में से ऐसे। और जब ये जल को अपने में से छोड़ देंगे, मतलब इनमें से जल निकल जाएगा, तो ये हो जाए, ये सिकुड़ जाएंगी कोशिकाएं, और ये जो रंध्र है बीच का छेद है, ये बंद हो जाएगा। इस रंध्र के दोनों साइड जो ये कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के कारण ये रंध्र खुलता और बंद होता है। ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को बोलते हैं द्वार कोशिका। इन द्वार कोशिका, ये द्वार कोशिकाएं इसके खुलने और बंद करने को नियंत्रित करती हैं। कैसे करती है, जब द्वार कोशिका में आसपास के बहुत सारी कोशिकाएं हैं, आसपास की, तो आसपास कोशिकाओं से जब जल द्वार कोशिका में जाएगा तो ये फूल जाएगी और रंध्र खुल जाएगा। जब द्वार कोशिकाएं जल को छोड़ देंगी तो द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी और रंध्र बंद हो जाएगा। द्वार कोशिकाएं भी प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है, क्योंकि इनके पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है। ये होता है क्लोरोप्लास्ट, ये जो मैंने बनाया है, ये सारा क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है भाई, उसके बाद ये इनका केंद्रक है, और ये हो गया रंध्र। ये इसको बनाना सीखना पड़ेगा, ये भी बनाना आना चाहिए, क्योंकि पेपर में ये आ चुका है कि रंध्र क्या है, और बंद तथा खुले हुए रंध्र का चित्र बनाइए और उसके भागों के नाम लिखिए, ऐसा पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो ये होगा रंध्र। ये द्वार कोशिकाएं हैं जो रंध्र को खोलने या बंद होने में, खोलने या बंद करने को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, अब बात आती है, एक प्रकाश संश्लेषण होता है पत्ती में, किसमें होता है, पत्ती में। तो एक पत्ती में प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा वो हम देखते हैं। ठीक है भाई, कैसे, एक पत्ती की अगर हम अनुप्रस्थ काट को देखें, अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या होता है, दो तरह की काट होती है भाई, एक होता है अनुदैर्ध्य काट और एक होती है अनुप्रस्थ काट। एक तरंगदैर्ध्य काट होती है, एक होती है अनुप्रस्थ काट। देखो, अगर मैं किसी वस्तु को ऐसे काटता हूँ, इसका हिस्सा ऐसे छील देता हूँ ऊपर से, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। और अगर मैं इसको ऐसे काटता हूँ लंबाई से, लंबाई में काट के देखता हूँ, तो उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य काट। तो हमने पत्ती का अनुप्रस्थ काट की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, अनुप्रस्थ काट की, तो ये कोशिकाएं हैं, उसके बाद ये नीचे और कोशिकाएं होती है,
तो भाई एक पत्ती की अगर हम अनुप्रस्थ काट को देखते हैं, अनुप्रस्थ काट का मतलब है मैंने बता दिया, जैसे ये पत्ती है, ये एक लंबी पत्ती है, ऐसे हम इसको ऐसे करके नहीं देख रहे हैं, हमने इस पत्ती को यहाँ से काटना है ऐसे, और उसका इतना बारीक सा पोर्शन निकाल लेना, छिलका सा, बिल्कुल बारीक छिलका सा, और फिर उसको माइक्रोस्कोप में लगा के देखना। तो हमें क्या दिखाई देखो दिखाई देगा उसमें, देखो एक तो इसके ऊपर वाली ये परत है भाई, एक नीचे वाली परत है ये, तो एक ऊपर वाली परत है जो वो उसमें बहुत सारी कोशिकाओं की एक लेयर बनी हुई है, एक परत है पत्ते के ऊपर कोशिकाएं बिछी हुई है, जैसे ये पत्ते के ऊपर वाली परत है, जैसे टाइलें बिछी होती है इस प्रकार से, नीचे भी ऐसे ही कोशिकाएं बिछी हुई हैं, और उसके अंदर जो है तो सभी जगह कोशिकाएं, लेकिन वो कोशिकाएं किस प्रकार की, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस जो ऊपर वाली परत होती है, इसके ऊपर एक परत और ऐसी होती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्यूटिकल, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्यूटिकल। किसके बनी होती है, मोम वगैरह, मोम की बनी होती है ये क्या करती है, ये है एक तो जो छोटे मोटे इंसेक्ट होते हैं उनसे बचाती है पौधे की पत्ती को, दूसरा ये ट्रांसपिरेशन को रोकती है, मतलब जो वाष्पोत्सर्जन होता है ना, पानी वाष्प बनाकर उड़ता रहता है, उसको रोकने का काम करती है क्यूटिकल। क्यूटिकल से नीचे एक परत आती है ये कोशिकाओं की, ये जो मैंने बनाई है इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस मतलब, एपिडर्मिस का मतलब होता है भाई ऊपर वाली परत, सबसे बाहरी परत, जैसे हमारी स्किन में भी सबसे ऊपर वाली एक एपिडर्मिस होती है, तो इसको बोलते हैं ऊपरी परत, अपर मतलब ऊपर एपिडर्मिस, एक नीचे भी तो है ना, एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये नीचे वाली क्या हो गई, ये होगी लोअर एपिडर्मिस, नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस, और ये जो मैंने बनाया है बीच में, देखो अभी बना है सब कुछ, तो ये क्या है, ये हो गया रंध्र, ये रंध्र है, और रंध्र के दोनों साइड में ये क्या है, ये द्वार कोशिकाएं हैं, ये द्वार कोशिकाएं, ठीक है, और इसके अंदर पत्ते के अंदर क्या भरी हुई है, ये कोशिकाएं हैं जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है, ये भी कोशिका है, ये कोशिका है, इसको बोलते हैं ये पेरेन्काइमेटस सेल है, मतलब पेरेन्काइमा कोशिकाएं हैं, तो ये लंबी वाली इनको बोलते हैं प्लीसेड पेरेन्काइमा, और ये होता है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी का मतलब होता है गुद्देदार, थोड़ी स्पेस है इनमें, दूर दूर सी है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा बोल है ये प्लीसेड पेरेन्काइमा, दोनों में होता प्रकाश संश्लेषण ही है। तो अब होगा क्या, जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रंध्र से प्रवेश करेगी तो ये थोड़ा सा खाली जगह होती है, इसमें एयर स्पेस होता है बीच में, एयर स्पेस क्यों है ये, ताकि इसकी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत सारी कोशिकाओं के संपर्क में आ जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी कोशिकाओं के संपर्क में आएगी, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करती है तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कोशिकाएं बिल्कुल सटी हुई है, तो थोड़ी जगह मिलती है, एक रंध्र नहीं है, बहुत सारे रंध्र है, मैंने एक ही बना के दिखाया है, नीचे बहुत सारे रंध्र है और वो अंदर खुलते हैं, जैसे ये ऐसे पत्ता है तो इसमें बहुत सारे छेद हैं, तो हवा उनके अंदर जाएगी, तो ये एयर स्पेस है, एयर स्पेस से जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे इस खाली जगह में बढ़ जाएगी, तो प्रसरण विधि द्वारा, मतलब भाई अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाती है गैस, तो कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, बार अधिक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली जाएगी, कोशिकाओं में प्रवेश कर जाएगी, और जल कहां से आया, मैंने बता दिया जड़ों द्वारा, और ये जो है, ये जो दिखाई देते हैं ये ऐसे ऐसे, इनमें ऐसे ऐसे चित्र है, ये है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन क्लोरोप्लास्ट के पास चली जाएगी सभी के पास, और जल भी इनके पास आ जाएगा, क्लोरोफिल इनके पास खुद से ही है, तभी तो इनका नाम क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है, इनका वर्णन वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, जल भी ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले ली और सूर्य का प्रकाश भी ले लिया, तो क्या कर लेंगे, अपने भोजन का निर्माण करेंगे, ग्लूकोज का, ग्लूकोज फिर बनाएगा किसमें बदल जाएगा, मंड में बदल जाएगा, मंड को ये संचित कर लेंगे, और साथ में क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस जब इनमें बन जाएगी तो ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ कोशिका में बढ़ जाएगी, बाहर कम हो जाएगी, तो कोशिका से बाहर आ जाएगी ऑक्सीजन और रंध्र से बाहर चली जाएगी, ठीक है भाई। इस प्रकार एक पत्ता कार्य करता है, किसका, प्रकाश संश्लेषण का, ठीक, ऐसा नहीं है कि पत्ता हर टाइम प्रकाश संश्लेषण करता ही रहता है, जैसे रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो रात में पत्ता प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, लेकिन वो श्वसन तो करता ही है, श्वसन जब करेगा पौधा खुद अपना खाना तो खाएगा जिंदा रहने के लिए, तो वो खाना जो अपना खाता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, देखो दिन में भी पौधा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन भी छोड़ता है,
अब दिन में जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो ऑक्सीजन अधिक छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम छोड़ता है, तो हम कहेंगे कि पौधा ऑक्सीजन छोड़ रहा है। रात में प्रकाश संश्लेषण तो हो जाएगी बंद, मतलब ऑक्सीजन छोड़ना तो हो जाएगा बंद, लेकिन सांस लेना तो नहीं छोड़ेगा, वो अपना भोजन तोड़ना तो नहीं छोड़ सकता, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रात में भी निकलती रहेगी। इसलिए हम बोलते हैं कि रात को पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन सभी पौधे ऐसे नहीं हैं जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जैसे पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, ये ऐसे पेड़ होते हैं जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उनमें प्रकाश संश्लेषण का कुछ अलग तरीका होता है, क्योंकि उनकी बनावट कुछ अलग तरह की होती है, उनमें क्रेंच एनाटोमी करके कुछ है, मतलब उनका आंतरिक जो बनावट है वो अलग होती है, वो बड़ी क्लासे में पढ़ेंगे हम आगे जाके। तो ये प्रक्रिया होगी प्रकाश संश्लेषण की जो पत्ते करते हैं, ठीक है। अब ये रंध्र ये खुलता और बंद होता मैंने बता दिया, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी तो ये बंद हो जाएगा, और एक सीमित मात्रा से अधिक हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी, तो तब भी ये बंद हो जाएगा। तो इस रंध्र को नियंत्रित कौन करती है? वो करती है द्वार कोशिकाएं, ठीक है भाई। ये भी पहले पेपर में आ चुका है, मतलब पत्ती की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए, ये भी पेपर में पहले आ चुका है, और रंध्र का चित्र बनाइए, ये भी पेपर में आ चुका है, और प्रश्न ऐसे भी आया है कि ये चित्र बना के दे देंगे वो पेपर में, और इनके सामने लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ कि इसका क्या नाम है, इनका क्या नाम है, इनका क्या नाम है, ऐसे ही ये प्रश्न भी आ चुका है कि प्रकाश संश्लेषण में जब कार्बन डाइऑक्साइड परीक्षण करते हैं कि वो जरूरी है कि नहीं, तो उसमें KOH का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम है, ये भी पेपर में आ चुका है। आयोडीन विलयन किस लिए प्रयोग करते हैं, ये भी पेपर में आ चुका है, ठीक है भाई, बात समझ में आएगी। हम अगर रंध्र को देखना चाहें कि रंध्र कैसे दिखाई देते हैं, तो उसके लिए हमें इसकी जो नीचे वाली परत है, पत्ता ले लेंगे, कोई भी पत्ता, एक अच्छा सा पत्ता लेके और उसको साफ करके उसकी ऊपर वाली परत को निकाल लेंगे, ठीक है, और उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। इसका एक प्रोसीजर होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा कि किस प्रकार रंध्र को देख सकते हैं या फिर रंध्र की स्लाइड कैसे बनाते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।